वहाँ पे टीचर्स ऑनलाइन में पढ़ाते हैं बट क्लास में एक मेंटर होता है जो क्लासरूम के स्टडी को कोऑर्डिनेट करता है। अब विजन ये था कि बिकॉज ये जो मुजफ्फरपुर में छोटा सा सेंटर है, हम लोग इसको कैसे बड़ा करें और बिहार में कोने कोने से जो बच्चा पटना में आता है उनको कैसे ये रेवोल्यूशनरी ऑफलाइन एक्सपीरियंस मिले, जहाँ पे पटना में पहली बार इंडिया के टॉप टीचर्स बोथ जेई जो कि इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है और नीट जो कि मेडिकल का एग्जाम होता है, दोनों में इंडिया के टॉप टीचर्स विथ वेदांतों का जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है विच इज वेरी वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव एंड इमर्सिव एक्सपीरियंस अक्रॉस क्लासरूम्स, वो पटना में पहली बार मिलेगा, जहाँ पे बच्चों को ना सिर्फ सबसे बढ़िया टीचर्स मिलेंगे बट ऑल्सो वेदांतु के जो हाइएस्ट पर्सनल अटेंशन का जो एक देयर इज अ न्यू रेवोल्यूशन विच वेदांतु हैज ब्रॉट इन ऑफलाइन क्लासरूम, उसका भी एक्सपीरियंस मिलेगा। तो अभी रिसेंटली हम लोगों ने टू लॉन्च पटना वी हैव जस्ट ऑनबोर्डेड इंडिया के जो सबसे बड़े मेडिकल के टीचर्स हैं उनको हम लोगों ने ऑनबोर्ड किया। बिकॉज ये जो मुजफ्फरपुर में छोटा सा सेंटर है, हम लोग इसको कैसे बड़ा करें और बिहार में कोने कोने से जो बच्चा पटना में आता है उनको कैसे ये रेवोल्यूशनरी ऑफलाइन एक्सपीरियंस मिले, जहाँ पे पटना में पहली बार इंडिया के टॉप टीचर्स बोथ जेई जो कि इंजीनियरिंग का एग्जाम होता है और नीट जो कि मेडिकल का एग्जाम होता है, दोनों में इंडिया के टॉप टीचर्स विथ वेदांतों का जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है विच इज वेरी वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव एंड इमर्सिव एक्सपीरियंस अक्रॉस क्लासरूम्स, वो पटना में पहली बार मिलेगा, जहाँ पे बच्चों को ना सिर्फ सबसे बढ़िया टीचर्स मिलेंगे बट ऑल्सो वेदांतु के जो हाइएस्ट पर्सनल अटेंशन का जो एक देयर इज अ न्यू रेवोल्यूशन विच वेदांतु हैज ब्रॉट इन ऑफलाइन क्लासरूम, उसका भी एक्सपीरियंस मिलेगा। तो अभी रिसेंटली हम लोगों ने टू लॉन्च पटना वी हैव जस्ट ऑनबोर्डेड इंडिया के जो सबसे बड़े मेडिकल के टीचर्स हैं उनको हम लोगों ने ऑनबोर्ड किया। अच्छे टीचर्स है ही है बट हमने रिसेंटली पटना के लिए स्पेशली टू पटना में जो अपना आइकॉनिक फ्लैगशिप सेंटर हम लोग बना रहे हैं उसके लिए वी हैव जस्ट ऑनबोर्डेड इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट पैनल फॉर मेडिकल एग्जाम्स जो कि संकल्प भारत टीम से जुड़े हुए थे, उनको हमने ऑनबोर्ड किया। वो लोग आएंगे और पटना में बच्चों को पढ़ाएंगे ताकि मेडिकल और जेई इंजीनियरिंग दोनों की तैयारी बेस्ट हो। और वेदांतु का सिर्फ ये जो वेदांतु विल नॉट ओनली प्रोवाइड द बेस्ट टीचर्स ऑफ द कंट्री हु विल कम एंड टीच इन पटना बट वेदांतु विल ऑल्सो द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द पर्सनल सपोर्ट दैट वेदांतु हैज किसी के पास नहीं है आज के डेट में इंडिया में। जो अपने जो क्लासरूम्स होते हैं जो अपना पर्सनलाइज अटेंशन बोलते हैं वेदांतु के लर्निंग सेंटर में बच्चों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाए। क्यों कैसे हम लोग जो पर्सनल अटेंशन बोलते हैं देर आर थ्री वेज टू डिलीवर दिस पर्सनल एक्सपीरियंस। अब एक टैगलाइन लिखे सर, अब बदलेगा पटना के पढ़ने का तरीका। हाँ। तो क्या इसके पहले वेदांतु ने सर्वे किया है कि पढ़ाने का यहाँ का अच्छा तरीका नहीं? सेकंड पार्ट, थर्ड जो हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि वेदांतु में बच्चों का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है और इट्स अ सिस्टम प्रोसेस, उसमें स्मार्ट क्लिकर्स है, इंटीग्रेटेड क्लासरूम्स है, पर्सनल मेंटोर से सारे स्टूडेंट को और थ्री वे डाउट सॉल्विंग, ये सबसे तीन चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट, चार चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे अच्छा टीचर होना चाहिए, टीचर्स बहुत अच्छे होने चाहिए, वो वेदांतु के पास है। आपके पास एक पर्सनल अटेंशन बहुत अच्छा होना चाहिए, एक डेडिकेटेड मेंटोर है वो वेदांतु के पास है। वेदांत कोई नहीं देता आज के डेट में, वेदांतु इज द ओनली कंपनी और ओनली एजुकेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूट हु विल बी प्रोवाइडिंग अ डेडिकेटेड मेंटोर फॉर ईच स्टूडेंट। थर्ड जो स्मार्ट क्लिकर है, जबकि आपके हर मूवमेंट हर क्लास में हर क्विज में क्या हो रहा है, क्या स्कोर कर रहे हो, उसका जो ट्रैकिंग परफॉर्मेंस ट्रैकिंग है, आपको जो इनसाइट दोगे आप स्टूडेंट को, बेटा आप फिजिक्स में इस सब टॉपिक में इस चैप्टर में आपकी ये गलती हो रही है, उस टाइप की इनसाइट्स वेदांतु निकाल के दे सकता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जहाँ पे भी अगर कहीं पे भी आपको डाउट आए उसका सोल्यूशन वेदांतु के पास इन क्लास इन सेंटर है, क्लास के बाहर डाउट काउंटर्स है वहाँ पे सॉल्व हो सकता है
और अगर आप घर पे है कहीं बाहर है तो वेदांतों के जो ऐप है इंस्टॉल ऐप है, ऐप के थ्रू सॉल्व हो सकता है कभी भी। लास्ट क्वेश्चन, 4 लाख एक्टिव स्टूडेंट्स वेदांतों के प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं टीचिंग के लिए और एजुकेशन के लिए, राइट। नाउ बिहार में जो और पटना में जो हमारा प्लान है उसके पीछे मैं बताना चाहूंगा हमारे वन ऑफ द को फाउंडर जो है अनंत प्रकाश, जो कि सीतामढ़ी बिहार से, पटना के पास में है सीतामढ़ी, उन्होंने उनकी अपब्रिंगिंग यहाँ से हुई थी। एंड आनंद प्रकाश इज नोन एज वन ऑफ द बिगेस्ट और मोस्ट सक्सेसफुल टीचर्स इन इंडिया जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं। उन्होंने ऑलरेडी अपने करियर में मैनी बहुत सारे टॉप रैंकर स्टूडेंट्स जो है, चाहे वो AIR 1 हो, चाहे वो AIR 1 फॉर JEE ने, मतलब रैंक 1 JEE, रैंक 1 नीट, सब में इन्होंने रैंक्स प्रोड्यूस करें। एंड मेनी मेनी स्टूडेंट्स इन टॉप 10 एंड 100 आनंद प्रकाश सर ने प्रोड्यूस किया है। तो इनका ये विजन था कि वेदांतों के जो एजुकेशनल सिस्टम है उनको बिहार में लाया जाए, जिसके जिसके लिए वी हैड लॉन्च्ड 1 हाइब्रिड सेंटर इन मुजफ्फरपुर लास्ट ईयर, जो कि अभी सक्सेसफुली चल रहा है और इस साल आशा करते हैं कि वहाँ से काफ़ी अच्छा रैंक निकलेगा इस साल जब नीट का रिजल्ट आएगा, मेडिकल का रिजल्ट आएगा। और बट वो हाइब्रिड सेंटर है विच इज जहाँ पे टीचर्स ऑनलाइन में पढ़ाते हैं बट क्लास में एक मेंटर होता है जो क्लासरूम के स्टडी को कोऑर्डिनेट करता है। एक मेगा सेमिनार कर रहे हैं यहाँ पे जहाँ पे इंडिया के सारे टॉप टीचर्स आएंगे, हमारे फाउंडर्स आएंगे, एंड थ्रू यू वी वुड ऑल्सो वॉन्ट रिक्वेस्ट यू टू स्प्रेड द वर्ड सो दैट मोस्ट जितना मैक्सिमम स्टूडेंट्स और पेरेंट्स आ सकते हैं उस सेमिनार में वो आए। वहाँ पे हम लोग अपने बैचेस, अपने कोर्सेस और सारी चीज़ें हम लोग रिवील करेंगे उस सेमिनार में, और वहाँ पे बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि वो एडमिशन कैसे ले पाएंगे 31 मार्च के बाद से। हम लोग जो पहला बैच है वो मिड ऑफ अप्रैल के आसपास लॉन्च करेंगे। बच्चे एक मिनट बेदान, तो बच्चे के इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए क्या करेगी? एक्चुअली सबके पेरेंट्स चाहते हैं मेरा बच्चा पढ़े, बट बच्चों को इंटरेस्ट बहुत कम होता है पढ़ाई में, तो कैसे करेगी बेदान इसमें? तो इस देखिए मैम, दो चीज़ होता है इसमें, इसके लिए 1-to-1 कुछ सेशन होगा वो अरेंज करेगा। सो हर बच्चे के पीछे एक डेडिकेटेड पर्सनल मेंटर रहेगा जो कि इन बच्चों का पूरा ध्यान रखेगा, उनका स्टडी शेड्यूल नॉट ओनली इन क्लास बट आफ्टर क्लास, कितने टेस्ट देने हैं, कितने टेस्ट नहीं देने हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, स्टडी प्लान कैसे बनाना है, वो करेगा। वो एज अ बडी उसको हेल्प करेगा ताकि उसका प्रोग्रेस हो, उसको अटेंशन मिले और उसका प्रोग्रेस हो। सेकेंड पार्ट, सेकेंड यूनिक थिंग। थर्ड, वेदांतु का देयर इज अ 3-वे डाउट सॉल्विंग, जैसे आपने बताया बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि यार अगर सपोज क्लास में घर पे पढ़ते पढ़ते कभी डाउट आए तो मैं क्या करूँ, तो हर किसी को वेदांत में इंस्टा सॉल्व डाउट ऐप है जो कि AI एनेबल्ड है, उसका एक्सेस मिलता है और वहाँ पे वो कभी भी अपना डाउट पूछ सकता है। कभी कभी डिसंगेज क्यों होता है, क्योंकि उसको नहीं पता है कि उसको शुरू कहाँ से करना है, ख़त्म कहाँ से करना है। तो वेदांत में जैसे ही बच्चा आता है उसका एक टेस्ट होता है जिसमें उसके लेवल पता करते हैं और उसके हिसाब से लाइक ए सेड जो उसका स्टूडेंट अकेडमिक मेंटर जो उसके दोस्त की तरह बड़ी की तरह उसके साथ काम करेगा, वो जो डेडिकेटेड मेंटर है उसको स्टडी प्लान बना के देगा ताकि हर हर बच्चे के लिए सेम ट्रीटमेंट नहीं हो। सेमिनार आपका कहाँ होने वाला है? ये सेमिनार हम लोग बापू सभागर, या दो वेन्यू हैं जिसपे हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, बापू सभागर और ज्ञान भवन, दोनों में से किसी एक में।